गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस और कमलनाथ सनसनी भ्रम और भय फैलाने के लिए निरंतर बोले गए झूठ के लिए माफी मांगे। मिश्रा ने कहा इनकी नियत में खोट और निगाह में वोट है, ये लोग वोट के लिए अपील करते दिख जाएंगे, एक भी कांग्रेसी वैक्सीन लगवाने के लिए अपील करता नजर नहीं आएगा। कमलनाथ और कांग्रेस को अपने झूठ के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए, यह कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उनका कहना है इनकी नियत में खोट है, निगाह में वोट है। आपने किसी कांग्रेसी को वैक्सीनेशन के लिए अपील करते नहीं देखा होगा, ना ही किसी का ट्वीट देखा होगा कि वे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि वे गांव गरीब के बीच जाकर उनकी मदद करें। ये आपको वोट के लिए अपील करते हुए दिख जाएंगे, चाहे चुनाव ना हो फिर भी। विपक्ष के नेता मध्य प्रदेश की राजनीति दिल्ली में बैठकर ट्वीट से कर रहे हैं। इनकी राजनीति जनहित के लिए नहीं, स्वहित और निरर्थक मुद्दों पर हो रही है। पेनड्राइव शमशान में मुर्दों से बात करना, कोरोना का इंडियन वेरिएंट, भारत बदनाम इत्यादि पर अब क्या कहें, ट्वीट के बंदी, ट्विटर के पंछी और कर ही क्या सकते हैं। ट्विटर के बंदी और ट्विटर के पंछी, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। नियत में खोट है, निगाह में वोट है। वोट की अपील करी है आपने, कभी सुना वैक्सीन लगाने की अपील के लिए इन्हें ट्विटर जारी किया है? आपने एक ट्विटर पे देखा, अभी कोई चुनाव नहीं है पर निगाह में वोट है। आपने कभी इनके ट्विटर पे देखा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि गरीबों के बीच जाओ और काम करो? नहीं, किसी सहायता की अपील करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, न मजदूर की, न गरीब की, न गांव की। इसलिए मैंने कहा नियत में खोटे और निगाह में वोट। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या हैं, अलग अलग कानून, जैसा आपने अभी कहा, बोले भारत बदनाम, ये दूसरा मुद्दा था उनका। आप तो पिछले 15 दिन के ट्वीट तो देखो, पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म हो ली। विपक्ष को राजनीति, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता को मध्य प्रदेश में राजनीति करनी चाहिए, दिल्ली बैठ के ट्वीट हो रहे हैं, इसका अंदाजा भी करो और इससे कांग्रेस का अंदाजा भी आप कर लो। जनहित के मुद्दे अब कांग्रेस के पास लगभग समाप्त है। मिश्रा ने कहा ब्लैक फंगस संक्रामक रोग नहीं है, इसके प्रकरण आ रहे हैं और उपचार के लिए भी समुचित उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं ब्लैक फंगस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना अंडर कंट्रोल है, निरंतर कमी हो रही है। नए केस में आज कल से भी कम, 846 नए मामले आए हैं। बढ़ने का तो नहीं कह सकते पर मरीज आ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना की तरह, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं छूत की बीमारी नहीं है, ये कारणों से पैदा हुआ रोग है। कोई ना कोई उसके अंदर कारण होता है, कहीं डायबिटीज का कारण होता है, कहीं ऑक्सीजन जो कोरोना में भर्ती रहते हैं मरीज उनका कारण से होता है। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इसके लिए, खुद मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, सारे डॉक्टरों से हमने इस बारे में एहतियात रख रही है कि कोई भी दिक्कत ना आए, दवाई की और किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाएगी। हमको कोरोना के क्षेत्र में अच्छी सूचनाएं मिल रही थी, आज भी सूचना अच्छी है, आज भी हम 4 डिजिट से 3 डिजिट पर ही रहे हैं। कल से नए केस आज फिर कम हुए हैं, आज 846 मामले, 846 नए आए हैं, जबकि 3,746 लोग ठीक होकर अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर सकुशल गए हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर अब 1% ही रह गई है। रिकवरी रेट लगातार हमारी बढ़ रही है, रिकवरी दर हमारी 97.13% हो गई है।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।